आप सबका धन्यवाद कि आज आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे हमारे आग्रह पे यहाँ आए, और जो एक कल रात जनपद हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है उसके बारे में जो बेसिक अभी तक की हमारे पास जानकारी है वो आपसे साझा करनी थी, और साथ ही साथ जो ये एक बड़ा सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था नानकमत्ता में 28 मार्च को, तो उसके क्रम में जो अब तक हम लोग कार्रवाई कर पाए हैं और उससे जुड़े हुए जो कुछ एक लार्जर उसका परिदृश्य है, उसका बैकग्राउंड है, और इसमें आगे इस महत्वपूर्ण केस में आगे क्या मतलब अभी हम कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये अच्छा एक अवसर है आप सबसे इस बारे में जानकारी करने का। सबसे पहले तो प्रथम नवरात्रि की आप सबको बधाई है, पावन दिन है सभी के लिए, और दूसरा ये कि मतलब सबसे एट द वेरी आउटसेट मैं इस घटना में जो हमारी टीम शामिल थी, बहुत डिटेल में तो आपको हम प्रेस नोट दे देंगे, बहुत उसके बारे में बहुत बारीकी से लाइन बाय लाइन मेरा मतलब डिटेल देना ठीक नहीं होगा, बट मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी घटना थी जो 28 मार्च को हुई, हम सभी के लिए एक तरह से एक जिसे कहते हैं एक चुनौती थी, अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं एक वेकअप कॉल था कि हम लोगों, देखिए हम सभी का मानना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ उस तरीके का वातावरण नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुबह 6:30 बजे एक डेरे में नानकमत्ता जैसे मेन गुरुद्वारे के बगल में एक डेरे में जाके उस डेरा एक वृद्ध थे, बुज़ुर्ग थे वो डेरा प्रमुख, और सुबह 6:30 बजे जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई, तो ये हमारे लिए एक तरह से चुनौती थी, और किसी ने उस दिन कहा भी था कि ये एक तरह से हमारे मुँह पर एक तमाचा था उत्तराखंड पुलिस के मुँह पर, और आप जानते हैं कि अच्छी पुलिस की, देखिए किसी भी अच्छी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की पहचान इस बात से नहीं होती कि हर बड़ी घटना होने से रोक ले, अच्छी फोर्स की पहचान नहीं होती कि बड़ी घटना होने के बाद सूझबूझ के साथ, हौसले के साथ, टीम भावना के साथ हम लोग कार्रवाई करें और फिर उस घटना का सही खुलासा करें, ये भी नहीं कि दबाव में आके हम लोग उसका गलत खुलासा करें, और सही खुलासा करें और सही अभियुक्त तक पहुँचे, और जो जैसा जिसकी जैसी संलिप्तता है उसको वैसे अंजाम तक पहुंचाएं, ये एक अच्छे पुलिस फोर्स की, तो मुझे सबसे ज़्यादा तो इस बात की खुशी है कि इस पूरी घटना के बाद जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन था उसमें निश्चित रूप से हमारे जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस, हमारे जनपद हरिद्वार जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ की पुलिस, और इन दोनों के बीच में जो सबसे अच्छा काम रहा कोऑर्डिनेशन का, हमारी STF आयुष अग्रवाल यहाँ SSP STF मौजूद हैं इनके द्वारा, और लगातार मेरे साथ हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं अंशुमन साहब, इनका बहुत क्लोज सुपरविजन रहा, कोऑर्डिनेशन रहा, और तभी आप समझिए क्योंकि जिस तरह से इस घटना के बारे में अभी तक जो षड्यंत्र निकल के आया है ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र था, और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं, तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा, बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे जिसमें कि एक कल रात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है, उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये तो जो एक इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है, इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे और उनके बारे में भी कुछ ठोस जानकारी मिली है, तो मतलब मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इस मुठभेड़ के बाद और इस हत्यारे को मार गिराने के बाद हम मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, अभी इस केस में हमें बहुत काम करना है, बहुत सारी लीड्स को इन्वेस्टिगेट करना है, और कोशिश ये करनी है कि इस केस में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है और हमारी कार्रवाई है वो एक ऐसी नज़ीर बने कि आगे भी कोई इस प्रकार से बाहर के अपराधी या बाहर के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हमारे प्रदेश में इस तरीके की सनसनीखेज घटना को अंजाम ना दे सके।
तो ये मोटा मोटा मैंने बस बैकग्राउंड बता दिया। अब अगर घटना के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्रेस नोट के माध्यम से दे दी है, तो उसको मेरे ख्याल से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं और जब मैंने डीजी पद का कार्यभार संभाला था तो उस समय भी आप लोगों से बात हुई थी, तो आप में से कुछ लोगों ने कहा भी था कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड बाहर के अपराधियों की शरणस्थली बन गया है, जेल से कई सारे दुर्दांत अपराधी जो है वो अपना एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं। तो उस समय भी मैंने आप लोगों से एक बात कही थी और उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि हम जो हमारे संभ्रांत नागरिक हैं, न्यायप्रिय नागरिक हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके लिए हम अवश्य मित्र पुलिस थे, मित्र पुलिस हैं और मित्र पुलिस रहेंगे। लेकिन इस प्रकार के षड्यंत्रकारी दुष्ट अपराधी, शूटर्स, पेशेवर जो किलर्स हैं, इनके लिए हम काल पुलिस बन के उभरेंगे और जैसा कि इस ऑपरेशन ने दर्शाया है।